अंतरिक्ष से पृथ्वी का निरीक्षण कैसे करें? हमारी सभ्यताओं की शुरुआत के बाद से मनुष्यों को जीवित रहने के लिए हमेशा उनके ऊपर की दुनिया को समझने की जरूरत थी। इसमें मौसम की भविष्यवाणी, पर्यावरणीय खतरों का आकलन, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और जलवायु की समझ में सुधार शामिल है। आजकल अंतरिक्ष हमें पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए इस सभी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी इकट्ठा करने के लिए अद्वितीय सहूलियत प्रदान करता है। भूमि, जहाज और विमान आधारित अवलोकन प्रणाली भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका दृष्टिकोण सीमित है। अंतरिक्ष से आप वर्षा, भूमि के वनों की कटाई, समुद्र के बढ़ते स्तर आदि जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को मापने और निगरानी करने के लिए सटीक मानचित्र बनाने के लिए हमारे ग्रह की पूरी तस्वीर देख सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम वेवी है और इन वीडियो श्रृंखला में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अंतरिक्ष से पृथ्वी का अवलोकन कैसे करते हैं। हम रिमोट सेंसर का उपयोग करते हैं, ऐसे उपकरण जो विकिरण को माप सकते हैं, जो ऊर्जा है जो पृथ्वी द्वारा स्वयं उत्सर्जित होती है और कुछ जो पृथ्वी तक पहुँचती है और अपने आप से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चली जाती है। जिस तरह से यह ऊर्जा उत्सर्जित होती है या जिस तरह से यह पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने के बाद बदलती है, उससे हमें अपने ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस कारण से हम ध्वनि तरंगों को माप नहीं सकते, क्योंकि वे अंतरिक्ष के निर्वात में यात्रा नहीं कर सकते। जैसा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वास्तव में निर्वात में 300 किलोमीटर प्रति सेकंड से यात्रा करती हैं। हालांकि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए उन्हें वायुमंडल से गुजरना पड़ता है और वे केवल पृथ्वी तक पहुंचेंगे यदि वे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की विशिष्ट श्रेणियों से संबंधित है, जिन्हें वायुमंडलीय खिड़कियां कहा जाता है। ये वायुमंडलीय खिड़कियां रेडियो की आवृत्ति ब्रैंड में माइक्रोवेव और दृश्य प्रकाश के लिए इंफ्रारेड की तरंग देहधर्य में है। यही कारण है कि उदाहरण के लिए हम वायुमंडलीय आर्द्रता का अध्ययन करते हैं, जिसे 22 गीगाहर्ट्ज और 138 गीगाहर्ट्ज के पास ब्रैंड में जल वाष्प कहा जाता है, या 60 गीगाहर्ट्ज के पास ब्रैंड में वायुमंडलीय तापमान। एक अन्य उदाहरण अवरक्त ब्रैंड है, जहां वस्तुओं के तापमान को मापा जा सकता है। इस मामले में अवरक्त सेंसर विशेष रूप से वस्तुओं द्वारा दिए गए अवरक्त विकिरण को देखने के लिए बनाए जाते हैं, यहां तक कि अंधेरे में भी।